आप सभी छात्राओं को नमस्कार। पहले मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ नोट्स व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे हैं, आपने अवश्य देखे होंगे। और दो बार अपन प्रागैतिहासिक काल के संबंध में डिस्कस भी कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं भी छात्राओं को अगर समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया है या हमें और समझाने की आवश्यकता है। प्रागैतिहासिक काल कला आदि मानव के भावों की अभिव्यक्ति और उनका विषय आखिर से संबंधित मुख्य रूप से रहा, और धीरे धीरे जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ उसी के साथ ही इनके भावों की अभिव्यक्ति या उनके विचार, भावनाएं, अनुभूतियों में कुछ परिवर्तन जरूर आया, जिसकी वजह से उनके चित्रों में कुछ परिवर्तन देखे जा सकते हैं। आदि मानव ने एक रेखा से अपने भावों की अभिव्यक्ति को अंकित किया और धीरे धीरे इन्होंने विषय में कुछ परिवर्तन जरूर किया। जैसे जैसे ये ग्रुप में रहने लगे, समूह में रहने लगे, तो समूह के भी चित्र देखने को मिलते हैं। परिवार में रहने लगे तो मनोरंजन के लिए नृत्य के भी चित्र देखने को मिलते हैं। ऐसे जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता रहा उसी के अकॉर्डिंग हमें कुछ इस तरीके के चित्रों से उनकी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान होता है। प्रागैतिहासिक काल लगभग पूर्ण हो चुका है, अपने पढ़ लिया उसको, उसके विषय के बारे में बता दिया मैंने, उसकी टेक्निक के बारे में बता दिया कि वो बहुत ही सीमित रंगों से, क्योंकि उस समय अधिक रंग नहीं थे, सीमित रंगों के माध्यम से जैसे भी खनिज से संबंधित जो भी रंग मिलते थे उन रंग के अंदर चर्बी को मिला दिया जाता था पशुओं की और उसको घोटकर उसको लगाया जाता था, जिससे उसमें स्थायित्व देखने को मिलता। और चित्रों को स्थायी करने के लिए उन्होंने गुफाओं के अंदर नुकीले धारदार पत्थर से उकेर कर भी चित्रांकन किया गया है। फिर उस लाइन के अंदर उन्होंने रंग भी भरने का प्रयास किया है, जो हमें ऐसे चित्र भीमबेटका गुफा आदि में भी देखने को मिलते हैं। ये किस पे रंग घोटते थे, किससे रंग भरते थे, ये रंग जिस ऊंची का प्रयोग किया जाता था यानी तूलिका का प्रयोग किया जाता था, ये कोई लकड़ी से उसको आगे के पोर्शन को कूट के रेशेदार बनाकर और उसको तूलिका बनाकर उसी से ही रंग रंगाकन का काम किया जाता था या ड्राइंग की जाती थी। और ये चित्र मुख्य रूप से शिलाओं और गुफाओं में बने हैं, क्योंकि वो गुफाओं में बैठा जब फुर्सत में अपने जीवन की अनुभूतियों को अंकित करता रहा, उसी तरीके से जब वो बाहर ओपन स्पेस में भी उन्होंने शिलाओं पर चित्रांकन किया है, जो हमें देखने को मिलता है। इनके चित्रों के पीछे क्या उद्देश्य था, क्योंकि कोई भी जब भी हम कोई काम करते तो उसके पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य होता है, कुछ भावना होती है। इन्होंने जो चित्रांकन किया इसके पीछे इनकी मुख्य रूप से भावना यही होगी कि उन्होंने अपने इतिहास को अमर बनाने के लिए, उन्होंने देवी देवताओं या प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए भी इन्होंने चित्रांकन परंपरा को अपनाया। जब वो शिकार करने जाते थे तब वैसे चित्र बनाकर
और आराधना करके वो जाते थे, जिससे उनको सफलता मिलती। ऐसे चित्रों से भी यही ज्ञात होता है, आगे जो शिकार से संबंधित चित्र मिले हैं उनसे ये भी ज्ञात होता है। दूसरा, जब वो शिकार करते थे और करने के बाद में जो जिस तरीके से वो संघर्ष करते थे, जैसी उनकी अनुभूतियाँ होती थी, जैसी जैसा उन्होंने अनुभव किया, उन अनुभवों को भी उन्होंने साकार करने के लिए अपनी गुफाओं में चित्रांकन का कार्य किया। ये अधिकतर चित्र रेखात्मक हैं, ज्योमितीय आकृतियों का अधिक से अधिक इन्होंने उपयोग किया। आपने देखा होगा कि इसमें आयत, वृत्त, त्रिभुज आदि का उपयोग किया है। स्वास्तिक से संबंधित भी चित्रों के अवशेष हमें मिलते हैं, चित्र देखने को मिलते हैं स्वास्तिक का। अब आप अनुमान लगाइए कि आदि मानव द्वारा स्वास्तिक का चित्रण, उनके द्वारा बनाया गया स्वास्तिक, आज भी हम उसका उपयोग करते हैं, उसको शुभ कार्य में उसका रेखांकन करते हैं। ये उस मानव की बहुत गहरी सोच उसके पीछे अवश्य रही होगी, जिसकी वजह से आज तक भी वह स्वास्तिक हमारी संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। प्रागैतिहासिक गुफाओं में भीमबेटका गुफा काफी प्रसिद्ध है और इसमें खूब सारे चित्र आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपके पास प्रागैतिहासिक काल के काफी चित्र वीडियो के माध्यम से दिखाए, आपने देखा, उनसे आपको ज्ञात हुआ होगा कि उस मानव ने उन गुफाओं को कितना अच्छा चित्रित किया और अपनी भावनाओं को उसमें अंकित किया। प्रागैतिहासिक के बाद हमारा प्रथम यूनिट में जोगीमारा गुफा है। हम जोगीमारा गुफा का अध्ययन सोमवार को करेंगे। आप सभी कोशिश करना कि जोगीमारा गुफा को एक बार पढ़ना, जो भी आपके पास मटेरियल है। आप जब तक घर पे पढ़ेंगे नहीं, आप जिस टॉपिक को अपन लेते हैं, पढ़ने से पहले अगर आप थोड़ा बहुत भी उसको पढ़ते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाता है, और अगर उसमें से कोई समझ में नहीं आता है तो भी डिस्कस करने में भी बहुत अच्छी आपको हेल्प मिलती है। आप उसको जोगीमारा गुफा को अवश्य पढ़ें। अपन सोमवार को जोगीमारा गुफा को पढ़ेंगे। मैं जोगीमारा गुफा से संबंधित आपको वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूँगा, आप उसको अवश्य देखें। अगर किसी भी प्रकार की अगर उसमें आपको डिस्कस की जरूरत हो तो आप अवश्य ही डिस्कस करें। धन्यवाद।